अभी एक नया अध्याय शुरू करने का विचार है, एक सौहार्द का। इसमें सभी पक्षों को साथ में लेके कैसे हम इस जो मुद्दे को शीघ्रातिशीघ्र इसको एक अंत तक ले जा सकेंगे, इस पर विचार है। मुख्य बात यही है कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग भाव है। कई निराशावादी है, मगर हम समझते हैं कठिन है काम, मगर सब मिलके एक अच्छा एक संदेश देश भर में जा सकता है यदि दोनों समुदाय पास आए, दोनों समुदाय के सहमति से भव्य राम मंदिर बने। हमारे आदरणीय उच्च न्यायालय का भी यही विचार है कि आपस में बातचीत से सुलझ जाए, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को इसमें आशा नहीं दिख रही है, मगर बहुत सारे लोगों को आशा भी दिख रही है। कई युवा संगठन दोनों समुदाय के हमारे पास आए, उन सबके अनुरोध से हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, मगर इसमें मुझे लगता है कुछ समय लग सकता है, 3 महीने 6 महीने लग सकता है। दोनों समुदायों के सभी लोगों के वर्ग के लोगों को मिलेंगे। देखिए, न्यायालय से जो भी होगा वो सबके लिए मान्य होगा, मगर ये एक सुनहरा मौका है, अवसर है दोनों पक्ष को पास आके इस मुद्दे को हल करने का, अपना सौहार्द और स्नेह और भाईचारा को दिखाने का। नहीं तो जो भी न्यायालय में होगा वो सबके सम्मत है, मगर आगे चल के 50 साल बाद 100 साल बाद कोई एक समुदाय ये सोच सकता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर ये मुद्दा फिर उठ सकता है। और यदि हमेशा के लिए इसको समाप्त करना हो तो एक ही रास्ता है, वो दोनों समुदाय के सौहार्द से, दोनों समुदाय के सहकार से, संयोग से भव्य मंदिर बने। ये सपना बहुत बड़ा दिखता है, कभी कभी लगता है कि यह असंभव है, मगर मैं ऐसा तो नहीं मानता, असाध्य है असंभव है लगता है, मगर इसको संभव करा सकते हैं हमारे देश में, हमारे युवाओं में, हमारे मजहब की धर्म के लोगों में बहुत दिल है, उदारता है, प्रेम है। आज भी भाईचारा का बहुत घनिष्ठ संबंध दोनों वर्गों में मैं देख रहा हूँ। सर, यहाँ पे कभी भी इस देश में जो आम जनमानस है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी भावनाओं को लेकर, उसके सौहार्द को लेकर के कभी अविश्वास नहीं रहा। लेकिन जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, या आज विश्व हिंदू परिषद है, आपके आने के पहले ही आपका खुल के विरोध किया, ऐसे फंडामेंटलिस्ट हुए, ऐसे लोगों को आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि विवाद तो उन्हीं लोगों ने खड़ा किया है, आम आदमी ने नहीं खड़ा किया है। नहीं देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, कई लोगों ने बहुत प्रयत्न करके उनको निराशा मिली है, मगर उसमें रुकना नहीं है, हम आगे बढ़ के फिर प्रयत्न करेंगे। देखो, 20 साल पहले जो माहौल था, 25 साल पहले जो माहौल था, वो माहौल आज नहीं है। आज युवा है, प्रगति पर है, और युवा चाहते हैं देश के युवा सब मिलजुल के रहें, इकट्ठे रहें। क्या मुस्लिम वर्ग सर, मुस्लिम बॉडी, do the Muslim bodies agree with your sentiment when you say let there be construction of a grand temple? Do the Muslim bodies agree with this? I know, some people will say that it is not so, but Muslims are, by and large, are not opposing Ram Mandir at all. At that very spot, where the Babri Masjid once... They are not opposing. Muslim Fasal Law Board told us that they have asked you or suggested you that there can't be any formula on the basis of surrender of Muslim side. So they are not ready to... No, listen. I'm not giving any solution, right? I have not come with a formula. If I come with a formula, then it's not called mediation. I've come with an open mind to give a platform for everybody to come, rethink their strategy and come to the world, to the country with a constructive solution which can unite the people of this country. एक सवाल बनता है महाराज जी, एक सवाल बनता है, 7 दशक से ये मामला चल रहा था, अचानक कहाँ से प्रेरणा मिली? और दूसरी बातचीत ये है कि आप अपने व्यक्तित्व को सर्वमान्य कैसे मान रहे हैं कि आप हल करके इसको ठीक कर लेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं हल करने आया हूँ, मेरे पास कोई फॉर्मूला है, मैं दे रहा हूँ रेडीमेड। मेरा यही अर्जी है, सबसे अनुरोध है, हमारे देश में इंसानियत की कमी नहीं है, स्नेह का कमी नहीं है, प्रेम का कमी नहीं है, सब लोग एक स्नेहपूर्ण वातावरण में फिर बैठे और इस मुद्दे को
एक मुद्दे का एक हल निकाल सकते हैं हम लोग। ये जब देखिए ये आशा से मैं बैठा हूँ, मैंने एक कोई फार्मूला लेके नहीं बैठे हैं, हम इस आशा से बैठे हैं हम सब लोग फिर एक मंच पे आके हम लोग बातचीत के जरिए आपसी सहयोग से जरिए काम को संपन्न कर सकते हैं, ये आशा लेके बैठे। क्या है इस मामले का समाधान, किस तरह होना चाहिए? देखिए मैं निजी व्यू रखता हूँ तो फिर मध्यस्थ नहीं कर पाएंगे। आपकी मुलाकात किन दिन से हुई है? अभी देखिए और भी कौन है? नहीं, बारिश किया वक्त बोर्ड, जी बारिश किया वक्त बोर्ड, नोबडी इज सपोर्टिंग योर फॉर देयर सेइंग दैट यू नो डे टू डे हियरिंग इज सुप्रीम कोर्ट इज अबाउट टू स्टार्ट इन लेस देन अ मंथ्स टाइम, सो व्हाट इज द नीड फॉर दिस? दे आर सेइंग इट लुक्स मोर लाइक अ फोटो अपॉर्चुनिटी रादर देन एनीथिंग। सुप्रीम कोर्ट से कोई बात करेंगे आप? या वी विल टॉक टू एवरीबॉडी, वी विल अप्रोच, आई मीन फ्रॉम माई साइड आई वुड लाइक टू टेक एवरीवन अलोंग एंड आई विल नॉट स्टॉप माई एफर्ट्स, दो इट मे अपीयर टू बी impossible right now, I think we have to go in this direction, we have to keep this dream and go ahead. तो श्री रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि आखिरकार अभी तक कैसा माहौल है, क्या लोग चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं। उनका कहना है कि अभी 3 से 6 महीने लग सकते हैं दोनों समुदाय की सहमति से राम मंदिर बने, इसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है, ये खुद रविशंकर भी मान रहे हैं।